हीराखंड एक्सप्रेस रो नुआ रूप ट्रेन को मिलिला नुआ मॉडर्न कोच आधुनिक एलएचपी कोच सहित हीराखंड एक्सप्रेस रो होईछि शुभारंभ नुआ दिल्ली रो रेल भवन रु वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम रे सबुज पताका देखाई शुभारंभ करिछंती केंद्र रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्र शिक्षा दक्षता विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। आज बहुत खुशी का अवसर है, हीराखंड एक्सप्रेस जिस ट्रेन में करीब करीब महीने भर पहले बैठने का एक मौका मिला था और जो उस ट्रेन में जो साथी बैठे थे दूसरे जिते बड़े भाई मैंने कहले जे ट्रेन बहुत सफा अच्छी किंतु कोच रो कंडीशन टा बहुत पुरना से बड़े मुझे बुझिली जे प्रकृति रे कोच टा बहुत पुरना था तो सेठु से ही दिन मनरे संकल्प नेली जे जेते शीघ्र यही ट्रेन को नुआ अति मॉडर्न अत्याधुनिक कोच जेंती दिया जाओ आसिले मात्र संगे संगे आम अफसर माने इमीडिएटली ये व्यवस्था करले। हीराखंड एक्सप्रेस रे पूर्व भली 12 कोच रहिबो यात्री मानकु उत्तम और आरामदायक एवं जर्क मुक्त यात्रा जोगाई देवा पाई पूर्वतट रेलपथ वर्तमान चालुथुबा पारंपरिक कोच गुडी को बदलाई आधुनिक लिंके होपमेल बुज कोच सहित भुवनेश्वर जगदलपुर भुवनेश्वर हीराखंड एक्सप्रेस चलाचल करने को निष्पत्ति निया जाइछि। तबे हीराखंड एक्सप्रेस ओडिशा आंध्र और छत्तीसगढ़ मध्य सांस्कृतिक सेतु भाव कार्य करुथुबा कहिछन्ति धर्मेन्द्र प्रधान। एने से तीन राज्यर नागरिकंकु शुभेच्छा जणाइछन्ति। हमारे जो अति प्रिय और पुराने ट्रेन हीराखंड एक्सप्रेस की जो उड़ीसा आंध्र छत्तीसगढ़ के अंदर एक सांस्कृतिक सेतु के रूप में काम कर रहा है, ऐसे हीराखंड एक्सप्रेस की नई रूप से आज चलने की चलेगी, इसी की शुभ अवसर पे मैं तीन राज्यों के नागरिकों को धन्यवाद देता हूं, शुभेच्छा देता हूं। पूर्वरु राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस रे एभली सुविधा थिबा बेले एबे हीराखंड एक्सप्रेस रे यात्रियों को आराम और सुरक्षा को प्राथमिकता दिया जाइछि। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज़।